Hi everyone, I am Anukriti Chahan and I welcome you all on this platform of Samyak where we are going to continue with our series of these very important topics. In this particular class, guys, we will be taking care of the <coughs> culture associated topic and in particular to that, we will be discussing some of the Lok Devtas which you will be getting to know in your examinations are really very important. So let's begin our session, guys, and I just want to share one thing with you all. That एम होता है हर एक चीज के पीछे एक एम होता है एक मोटिव होता है बिहाइंडीज विडियोज बिहाइंड एम इज कि आपके शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर लॉन्ग टॉपिक्स कवर हो जाए सो दिस इज आर एम एंड दिस इज वट वी वॉन्ट टू कन्वे टू यू ऑल दैट प्लीज पे अटेंशन टू दीज टॉपिक्स एज द्वेश्चन्स विल बी डेफिनेटली आस्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्सली राइट सो लेट्स बिगे आर सेशन विदरी बैंड थिंग राइट चलो वन मोर थिंग बिफोर बी बिगिन that please subscribe to samyak civil services and samyak civil services in english as these two channels will be helping you all in getting the notifications of the further classes and then you can attend those sessions live with your favorite educators right okay so the topic for today is lok devta right topic kya keh raha hai lok devta अब लोक देवता किस रेलेवेंस में गाई? राज राजस्थान के रेलेवेंस में जहां पर हम कंसिडर करते हैं माइथोलॉजी को एक मेजर मतलब हम कह सकते हैं कि एक मेजर डोमिनेंस हमारा माइथोलॉजी का है यहाँ पर Uh, जो बिलीफ है लोगों का भगवान के अंदर लोक देवियों के अंदर लोक देवताओं के अंदर वो बहुत ज्यादा मतलब आई वुड से कि बहुत ज्यादा रिजिड है बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है वो इन चीज़ों को लेकर तो सेम वे अगर हम बात करें लोक देवताओं की तो मतलब उन गॉड्स को उस बिलीफ को हमने क्या कर दिया है डाइफोगेट कर दिया है डिवाइड कर दिया है ना क्या करेंगे हम लोग हम लोग देवता अलग पढ़ेंगे हम पंच पीर अलग पढ़ेंगे लोक देवियाँ हम एरिया वाइज अलग कवर करेंगे ताकि आपके फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स के अंदर ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमम पोर्शन हम कोशिश कर सके कवर करने की राइट सो फर्स्ट थिंग एसोसिएटेड विद लोक लोक देवता वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लाइक देवताओं को बेसिकली मैंने दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है क्या किया है मैंने दो क्लासेस के अंदर लोक देवताओं को डिवाइड किया है एंड दोस्ट गेट इट लोक देवता की अगर हम बात करें तो एक होते हैं पंच पीर पंच पीर या हम उनको कह सकते हैं पांच पीर ठीक है दूसरी कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो रेस्ट बाकी सारे जो बचे ठीक है अब ये पंच पीर क्या है बेसिकली तो डिवाइड करते टाइम हम एक चीज दिमाग में रखते हैं कि एक जो स्ट्राटा है वो पहले आ जाए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो ये पंच पीर की कैटेगरी में क्या इंपॉर्टेंट है गाइस कैन एनीवन टेल मी थ्रू द कमेंट सेक्शन और एनी थिंग एनी लाइक एनी मोड इफ यू टू कन्विंस मी और इफ यू कन्विट टू कन्वे एनी टॉपिक टू मी पंच पीर पंच पीरों का रेफरेंस किससे आता है कोई बताएगा मुझे कि पंच पीर हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं कि भैया ये क्या है ये पीर है तो इनका रेफरेंस किससे है पंच पीरों का रेफरेंस किससे है यस yes. हम्म hmm. पंच पीरों का रेफरेंस है दैट रिलीजन इज नो बार रिलीजन इज नो बार एवरी रिलीजन एवरी पर्सन हैज अ बिलीफ इन देम हैज अ बिलीफ इन देम मतलब मैम कोई फर्क नहीं पड़ता ना ये भगवानों की कैटेगरी में आते हैं या हम बात करें ये आपके इस्लामिक गॉड्स क्रिश्चियन गॉड्स या किसी और कास्ट के गॉड्स में आते हैं Yes. ये किसी कैटेगराइजेशन वाइज नहीं आते हैं इनको मुस्लिम्स भी पूछते हैं सिख भी पूछते हैं हिंदू भी पूछते हैं ठीक है अब किस किस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम पांच पीरों के अंदर समझने की कोशिश करेंगे क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पांच पीरों को समझना दिस विल ऑल्सो बी लाइक मेड वेरी क्लियर टू यू कि हम लोगों यहाँ पे मतलब बेसिक रेलिवेंस क्या है पंच पीरों को समझने के पीछे और पंच पीरों की बात आती कहाँ से है राइट सो यस फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नो अबाउट द पंचपीर इज दी पाबू जी मैं नाम बताऊं कौन कौन है पंचपीर अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो, तो सबसे पहले आते हैं पाबू जी दूसरे आते हैं रामदेव जी तीसरे आते हैं हड़बू जी चौथे आते हैं मेहा जी नाउ वन थिंग पांचवे का मैं आपको ब्लैंक दे रही हूँ इस ब्लैंक में क्या आएगा गोगा जी या बी तेजा जी दोनों में से कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा अगर आपको मैं ये ऑप्शन दे दूँ कि हाँ आपको मैंने पांच में से चार बता दिए ठीक है पांचवे नंबर का पंचपीर कौन है ये आपको मुझे बताना है और ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए इधर इट्स गोगा जी और इधर इट्स तेजा जी ठीक है इससे ज़्यादा तो मैं आगे लेके ही नहीं जा रही हूं मैं तो बहुत से दो ही ऑप्शन दे रही हूँ अक्सर एग्जाम में तो पांच छह चार ऑप्शन आते हैं आपके पास में कि कल्ला जी आएगा आपके मल्लीनाथ जी आएगा क्या आएगा देवनारायण जी आएगा कौन से आएंगे यहाँ पे पूरिया बाबा आएंगे कौन है आपके पंचपीरों के अंदर दूसरे पांचवे नंबर के यस एनीवन कौन है पंच पीरों के अंदर पांचवे नंबर के पीर

He he was was uh, inherit, uh, inheritant of of Next comes, he was considered to be the deities camels, camel camel, protector Plague or दोनों के टाइम पे अगर किसी भगवान को पूजा जाता है then that's लोग क्या बोलते हैं जब कोई बड़ी ऐसे epidemic ऐसा पैंडेमिक आ जाता है तब भी जी को पूछते हैं दे the, in reference with इन रेफरेंस and along एंड अलोंग plague कैमल प्रोटेक्शन की बात भी यहाँ पे होती है कैमल worship प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं जैसे कि रायकाज है रेबाडीज हैं वो किसको पूछते हैं वो भी आपके पापूजी को ही पूछते हैं लेक्स्ट वी विल गेट टू नो दैट ही इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण लक्ष्मण हेयर इज दंगर ब्रदर ऑफ राम प्लीज कीप इन माइंड दियर लक्ष्मण इज रेफरिंग टू दंगर ब्रदर ऑफ राम लॉर्ड राम

इनकी मदर कौन थी इनकी वाइफ कौन थी तो मदर थी कमला दे वाइफ थी फूलण दे या फिर सुप्यार दे ठीक है ये दो तीन नाम है जो इंपॉर्टेंट है फादर आएगा तो धांधल दे मदर आएगा तो कमला दे वाइफ आएगा तो फूलण दे या सुप्यार दे ठीक है ये दोनों ही नाम आपको दोनों तीनों नाम आपको याद रखने हैं एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है हु ऑज दी फादर ऑफ बाबू जी हुज दी मदर ऑफ पापू जी एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन राइट हेयर वी वु सी द मेयर घोड़ी जिसे हम कहते हैं ठीक है क्योंकि इन भगवानों के अगर हम रेफरेंस में बात करें तो घोड़ी का ही रेफरेंस आपका आता है विद रेफरेंस टू घोड़ी घोड़ी इज नेम या मेयर का नाम क्या था केसर कलमी क्या नाम था इनकी घोड़ी का केसर कलमी आप केसर कलमी क्या है इसकी स्टोरी सुनो तो देवल चारण देर वॉज दिस वेमेन देवल चारण राइट right? देवल चारण के पास में बहुत सारे कैटल्स थे और एक मेयर थी जिसका नाम था केसर कलमी राइट पापू जी वंस लाइक विजिटेड मी प्लीज बोरोसर कलमी फॉर अ बाइल और पापू को उस केसर कलमी से बहुत लगाव हो जाता है ठीक है तो वो क्या कहते हैं कि मैं लेके तो जा रहा हूं इसे पर मैं एक प्रोमिस करता हूँ मैं एक वचन देता हूँ दैट थ्रू आउट माई लाइफ बीट एनी इंसिडेंट्स जब आपके कैटल को प्रोटेक्शन की जरूरत होगी तो मैं वहां खड़ा हूँ आपके कैटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट कैटल्स की प्रोटेक्शन की बात क्यों नहीं क्योंकि मेयर वो कैटल प्रोटेक्शन के लिए ही रखी गई थी ठीक है तो उन्होंने वो कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ क्योंकि मैं आपकी मेयर लेके जा रहा हूँ तो मैं एक प्रॉमिस करता हूँ आपको कि मैं आपके कैटल्स का प्रोटेक्शन करूँगा मैं उन्हें सेफ रखूँगा और जब भी मेरी जरूरत होगी मैं यहाँ पे मौजूद होऊंगा ठीक है सो वट हैपन देयर वॉज दिस जींदराव खींची दिस पर्सन हु वॉज द किंग ऑफ जायल राइट ही अटैक द कैटल ऑफ दिस पर्टिक्युलर देवलचारण इन्होंने क्या किया जींदराव खींची ने देवल चारण की कैटल्स को अटैक कर दिया अब जब इन्होंने देवल चारण की कैटल को अटैक किया तो एक चीज हमारे पास में और बहुत क्लियर आ गई क्या कि अब जो है प्रोटेक्शन के लिए पाबू आएंगे सो so, प्रोटेक्शन के लिए पाबू आते हैं एंड देन देर वॉज दिस बैटल ऑफ डेचू बिटवीन पाबूजी एंड दिस जींद्राव खींची वॉज द किंग ऑफ जायल

दो कास्ट रायका रेबाड़ी तो कैमल वर्शिपर के फॉर्म में बाबू की रक्षा और पूजा करते ही है इसके अलावा थोरी कास्ट और भील ट्राइब्स ये दोनों भी बाबू की वर्शिप करते हैं अच्छा पापू की फड़ गाई जाती है और वो फड़ कौन गाता है भोपे गाते हैं तो ये कह सकते हैं कि मैम जितने भी आपके पापू के क्या हैं डिवोटीज हैं दे आर बींग रेफर्ड एज भोपे सो द प्रोटेक्टर्स एंड द डिवोटीज ऑफ बाबू जी हु दिस पर्टिक्यूलर पापू की फड़ आर नोन एज भोपे राइट नेक्स्ट मैम ये रावण हट्टा क्या है रावण हट्टा इज द इंस्ट्रूमेंट ऑन विच दिस फर्ड इज संघ जैसे होता है ना कि कुछ मंजीरों पे गाई जाती है कुछ ढोलक पे गाई जाती है कुछ फ्लूट पे गाई जाती है वैसे ही अगर हम बात करें दिस रावण हट्टा इज द इंस्ट्रूमेंट ऑन विच दिस पाबू जी की फर्ड इज बींग संघ राइट टेकिंग दिस क्लास अहेड गाइज अनादर फैक्ट अबाउट पाबू जी इज एसोसिएटेड विद द बुक्स सबसे पहली चीज आती है बाबू की बुक कौन सी है तो पहली बुक बाबू की कौन सी है बाबू प्रकाश दिस वॉज रिटन बाय आसिया मोतजी राइट नाउ इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम इसका राइटर याद रखें क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि किसने लिखी थी राइट द नेक्स्ट बुक्स एसोसिएटेड विदूजी इज पाबू जीरा तोहा इट वॉज रिटन बाय लखराची तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम इन राइटर्स को और इनके नाम को याद रखें लखराज जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी क्या लिखा पाबू जीरा तोहा लाइफ हिस्ट्री एंड द बायोग्राफी ऑफ पाबू जी अब इन दोनों में से अगर मैं पूछूँ पाबू जी की बायोग्राफी कौन सी है दिस इज दी बायोग्राफी बायोग्राफी ऑफ बाबू जी कौन सी है पाबू प्रकाश पाबू प्रकाश कोई डाउट है बाबू जी तक चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे रामदेव जी नाउ रामदेव जी के राम लिए भी बहुत भी भी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट थिंग इज इज बर्थ प्लेस दैट इज दी उड्डू कश्मीर इन बड़नेर बाड़मेर रीजन वेयर दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज बॉर्न राइट right? बाड़मेर के अंदर एक जगह है उर्डू कश्मीर जहां पर इनका क्या होता है इनका जन्म होता है ये बॉर्न होते हैं कब बॉर्न होते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीय अभी एक चीज याद रखना भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को ये बॉर्न हो रहे हैं यहाँ पे एक चीज याद रखना डेथ कब होगी वो बताऊंगी क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इनके फादर है अजमल जी मदर है मैना दे और वाइफ है नेतल दे राइट नेक्स्ट हॉर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रामदेव जी इज लीलो ठीक है तो हॉर्स का भी रेफरेंस यहाँ आता है हॉर्स पूछते हैं फ्लैग पूछते हैं मदर्स नेम पूछते हैं फादर्स नेम पूछते हैं आपसे ये पूछ लेंगे कि कौन सी बैटलमैन की डेथ हुई थी किससे लड़ते हुए इनकी डेथ हुई थी तो सबसे पहले पाबू का रेफरेंस याद रखोगे जींदराव खींची जो जायल के किंग थे डेचू में बैटल करते करते उनकी डेथ हो गई थी राइट नेक्स्ट नेक्स्ट इज ही इज कंसिडर टू बी द इंकारनेशन ऑफ कृष्ण पहले वो लक्ष्मण का इंकारनेशन थे पाबू आप रामदेव जी की बात करोगे तो कृष्ण का या विष्णु का इंकारनेशन माने जाते हैं मुस्लिम कैटेगरी जो है मुस्लिम समाज जो है आपका वो इन्हें रमशा पीर या फिर पीरो का पीर नाम से पूछते हैं वट इज वर्शिपिंग टाइटल फिर पीरो का पीर ये दोनों टाइटल्स आपके इनको दे रखे हैं इज दिस मच क्लियर क्या इतना क्लियर है बताइए जरा कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे देखो गाइज एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेना इन ये जो भी आपको टाइटल दिया जा रहा है ना ये जो भी कंटेंट दिया जा रहा है इसी के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे शेयर हो रहा है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ चीज लीस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूं इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है नाउ वी वुड कंसिडर द डेट ऑन विच दी रामदेव जी डाइट देखो वहां पे था भाद्रपद शुक्ल द्वितीय हिज बॉर्न डेट राइट अब भाद्रपद शुक्ल एकादशी इनकी डेथ हो जाती है

एक इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ सॉर्ट ऑफ दिस इज बींग रेफर्ड ये होता है आपका पगलिया पूजन क्या होता है ये पगलै पूजन इसका मतलब कि आपके पैरों की फीट की वर्शिप यहाँ पे की जा रही है एंड दैट इज बींग रेफर्ड एज दगलै पूजन उनके पैर पूजे जाते हैं उनकी फीट्स की वर्शिप यहाँ पे की जाती है वी कैन ऑल्सो सी दैट रामदेव जी इज एसोसिएटेड विद दैब्लिशमेंट ऑफ द कामड़िया सेक्ट सेक्ट की स्टैब्लिशमेंट की बात हम करते हैं वो किसने करी है आपके रामदेव जी ने की है वन थिंग इज और वेरी लाइक ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद दिस रेफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द कामड़िया सेक्ट इट वॉज एस्टैब्लिश फॉर दर्पज ऑफ इक्वालिटी कि किसी भी तरह का आप के कास्ट के साथ में या आपके लोगों के साथ में इनइक्वालिटी वाला बिहेवियर नहीं होना चाहिए भले ही हम कास्ट का रेफरेंस ले लें चाहे हम क्रीड का रेफरेंस ले लें द मेजर एम और पर्पज ऑफ स्टैब्लिशिंग दिस कामिया सेट वॉज इक्वालिटी एंड ऑल्सो वी नो दैट द तेरा डांस तेरा ताली डांस इज बी परफॉर्म बाय दी विमेन ऑफ कामडिया सेक्ट ओनली तो ये पॉइंट भी आपको नोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तेरा ताली डांस की मैंने रेफरेंसेस दे रखी है इन द प्रीवियस क्लासेज डांसेज दैट इज बींगफॉर्म बाई वियरिंग थर्टीन मंजीराज नाइन ऑन द बॉडी टू ऑन दी हैंड्स एंड टू ऑन दोल्डर एल्बोज वी कैन कंसिडर राइट तो ये हम देख सकते हैं कि तेरह मंजीरों के साथ में कामड़िया सेक्ट की विमेन की तेरह ताली डांस परफॉर्म करती हैं। पगलिया पूजन की बात हो गई अब नेजा क्या है इट इज अ पचरंगा फ्लैग नेजा क्या है पचरंगा फ्लैग है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पचरंगा फ्लैग जो है पांच कलर का दैट इज नेजा ये किसका है रामदेव जी का एग्जाम में किसी एग्जाम में पूछा गया था व्हाट इज नेजा और आपको चार ऑप्शंस दिए गए थे तो नेजा का रेफरेंस यहाँ पे किससे आएगा आपके रामदेव जी के फ्लैग से आएगा आई होप दिस इज क्लियर शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद दाम पीर पंच पीर ऑफ राजस्थान इट इज हरबू जी सांखला ना वाई इज हरभूजी सांखला इंपॉर्टेंट गाइज कैन एन वन टेल मी वाई इज हरबू जी सांखला इंपॉर्टेंट इनको हरबू जी भी कहते हैं यहाँ तो मैंने हरबू जी लिख दिया हड़बू जी भी कहते हैं तो ये भी पंच पीरों की कैटेगरी में ही आते हैं राइट वॉट इज इंपॉर्टेंट ही वॉज बॉर्न एंड एट भूंडोल तो भूंडोल करके एक जगह है नागौर के अंदर दिस वॉज द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न ही इज द मेटर्नल कजन ऑफ रामदेव जी रामदेव जी के मेटर्नल कजन में आते हैं ये ठीक है भुंडोल जी हरबू जी भुंडोल में बॉन्ड हुए हैं अच्छा अभी हम और देखेंगे कजन वाले रेफरेंसेज आप भी हैं ठीक है क्योंकि वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पे क्वेश्चन आता है ही वुड वुड वी सी दैट वाज द रीजन वेयर हिज टेंपल इज बीइंग बिल्ट दैट्स इन द जोधपुर एंड इट वाज बिल्ट बाय द अजीत सिंह जी ऑफ मारवाड़ अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ वी हैव सीन हिज एस्टैब्लिशमेंट इन द द 1704 विद हेल्प ऑफ दीवेंटी जीरो अलोंग विद द दुर्गादास राठौर एंड गोराबाई जी देख रखा है आप लोगों ने ये तो बस उन्हीं के रेफरेंस में हम देखेंगे कि अजीत सिंह जी का रेफरेंस यहाँ दिया जा रहा है विद्लेशमेंट ऑफ दी हरबूजी राइटो कार्टिप्ड इन दिस पर्टिक्यूलर टेम्पल बुलक कार्ट ऑफ हरबू जी इज बी वर्शिप्ड जैकाल वही बुलक कार्ट किस पे जयकाल इज द वहीटेड विद दरबूजी जो लोग जिनके एनिमल्स हैंडीकैप्ड होते हैं जैसे सपोज मेरे पास में एक डॉग है उसके हाथ में कोई दिक्कत है पैर में कोई दिक्कत है कोई भी रेफरेंसेज आपके हैंडी कैप्ट कोई कोई भी एक जो है हम डिजीज़ रेफर कर सकते हैं कोई भी एक डेफिशिएंसी हम उनमें रेफ़र कर सकते हैं अगर वो डेफिशिएंसी आपके एनिमल्स में है तो वो लोग हरबुजी की पूजा करते हैं अगर आपके डॉग में भी कोई डेफिशिएंसी हो देन प्लीज वर्शिप हरबूजी, जी क्योंकि इट इज अ बिलीफ इन राजस्थान दैट ये क्योर करते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को राइट right? चल, द नेक्स्ट इज दी किस बुक से हमें हरबू जी के बारे में रेफरेंसेस मिलते हैं दैन इट इज दी साखला हरबू का हाल नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर बुक ऑफ साखला हरबू का हाल वी विल गेट टू नो अबाउट दी

बट आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू कैरी फॉरवर्ड दीज प्रॉब्लम एंड क्रिएट अ बल्क ऑफ दम आज क्लास ने बताया आज की आज घर पर ये पाँच पी लर्न कर लो क्योंकि क्वेश्चन आएगा मैंने पूछ लिया नेजा किसका फ्लैग है तो आपको पता होना चाहिए मैंने पूछ लिया लीलो किसकी घोड़ी है तो आपको पता होना चाहिए मैंने पूछा केसर कलमी किसकी हॉर्स थी मेयर थी तो आपको पता होना चाहिए किस एसोसिएट विद द बाबू जी मैंने पूछ लिया देवलचारण का क्या रोल था आपको पता हो जी देवल चारण कौन थे जिंदराव की कौन थे आपको पता होना चाहिए अगर हम बात करें आपके रामदेव जी की तो इनका एसोसिएशन जिस जिस चीजों से है रुणेचा से है क्यों है आपके इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी डेथ एनिवर्सरी क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि मैम भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से में तो इनका बॉन्ड हुआ है भाद्रपद में शुक्ल एकादशी को इनकी डेथ होती है तो भाद्रपद का महीना भैया आने वाला है राखी के जस्ट बाद में भादवा शुरू हो जाता है जिसे हम भाद्रपद कहते हैं और भाद्रपद के अंदर शुक्ल पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं ऐसा एक है राजस्थान के अंदर कि जो गणगौर आती है वो फेस्टिवल्स को ले डूबती है और तीज जो आती है उससे फेस्टिवल आपके शुरू होते हैं राइट सो दैट्स इंपॉर्टेंट फर्स्ट नोट डाउन दैट नाउ द मंथ ऑफ दीज पर्टिकुलर फेस्टिवल्स इज ऑन द वे एंड विल बी स्ट्राइकिंग डोर्स डाउन जन्माष्टमी आएगी गोगा नवमी आएगी आपकी तेजा आएगी आ, इसी के साथ में आपकी गणेश चतुर्थी आएगी गणेश चतुर्थी के साथ में हम आपके रेफर कर सकते हैं अभी सावन में राखी आ रही है तीज सिंजारा आता है इसके बाद में मतलब फेस्टिवल्स की अब लाइन ही लाइन है फिर आपके अश्विन के नवरात्रे आते हैं नवरात्रों के बाद में आपकी दिवाली आती है दिवाली के बाद में आपके बहुत सारे मतलब हम कह सकते हैं कि फेस्टिवल्स आते ही आते हैं अन्नकुट वाला दिन आता है जिस दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं उसके बाद में आपका भैया दोष का फेस्टिवल आता है धनतेरस आती है है ना आपकी रूप चौदस आती है इन सब का अलग अलग रेफरेंसेज हैं तो क्यों ये फेस्टिवल्स का पीरियड ऐसा होता है उस सबकी स्टोरी है एक तो हम देख लेते हैं राइट right? मेहा जी इज बींग रेफर्ड द नेक्स्ट पंचपीर ही बिलोंग टू द पवार क्लाम हिज फादर वॉज गोपाल राज एंड हॉर्स वॉज किरण काबरा द मेयर ऑफ दॉर्स नेम वॉज किरण काबराज फेयर टेक्स प्लेस ऑन दन्माष्टमी जो कृष्ण जन्माष्टमी आपकी आती है कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी का बर्थडे राइट right? कृष्ण जी की ग्यारस भी आती है झलझुलनी ग्यारस तो ये सब फेस्टिवल्स आएंगे जन्माष्टमी इज बिंग रेफर्ड वी टॉक अबाउटल इट्स लोकेटेड इन दी बापरी जोधपुर बापड़ी जोधपुर के अंदर इनका टेम्पल लोकेटेस ऑफ राव रागदेव रंगदेव के साथ में राव रागदेव के साथ में इनका बैटल चल रहा था लाइक भाटी फ्रॉम जैसलमेर विद मेहा जब इनका दोनों का बैटल चल रहा होता है तो इन दैट पर्टिक्युलर बैटल मेहा जी सैक्रीफाइस इज लाइफ एंड सेव दउ लास्ट पंच पीर ऑफ आर डे एंड ऑफ द राजस्थान इज गोगा हो गए लास्ट है गोगा जी तो इनका भी आप प्रेफरेंस याद रखना कि ये पांच पीरों की कहानी हमने एक ही क्लास के अंदर समझ ली है वेन मे टॉक अबाउट गोगाजी दद्रेवा चूरू बैटल ऑफ दूद गजनी महमूद गजनी के साथ में इनका बैटल होता है एंड वाई वॉज दट बैटल इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज इन दी प्रोटेक्शन ऑफ दी का

शीश जाके गिरता है ददरेवा चूरू के अंदर और धड़ जो आपके गर्दन के नीचे का पोर्शन होता उसे है उसे कहते हैं धड़ ठीक है धड़ जाके गिरता है आपका गोगा मेडी के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर तो ये चूरू और हनुमानगढ़ इन दो जगहों पे इनके टेंपल का निर्माण कराया गया एक जगह जहां इनके शीश की पूजन किया जाता है दैट इज दी ददरेवा चूरू दैट ऑल्सो नोन एज दी शीश मेडी ऑफ गोगा जी राइट नेक्स्ट इज दी गोगा मेडी दैट इन दी हनुमानगढ़ इट्स नोन एज दी धरमेढ़ी इसे क्या कहते हैं धरमेड़ी धड़ धर कहते हैं ना अपने हाफ ऑफ योर बॉडी अपर बॉडी फ्रॉम अबव योर लेग्स टू दी नेक पोर्शन ऑफ योर बॉडी इज बिंग रेफर्ड एज दी धड़ और ये होती है आपका शीश ठीक है तो शीश जहां गिरा वो हो गया शीश मेढ़ी धड़ जहां गिरा वो हो गया धड़मेड़ी दैट इज दी गोगा मेडी और जहां इनके पूरे अवतारों की पूजा की जाती है दैट्स इज दी गोगा जी की ओल्डी इट्स इन दी खिलेड़ियों की ढानी साचोर जालोर सो इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू नोट दिस टेम्पल डाउन

उसके अंदर आपके गोगा जी की पूजा की जाती है the horse is नीली घोड़ी कृष्ण कृष्ण नवमी नवमी एकादशी तो एकादशी. रामदेव जी, कि उनका शुक्ल पक्ष में लगता है कृष्ण पक्ष वो होता है जिसके 15th डे पर अमावस्या आती है जिसके 15th डे पर क्या आती है अमावस्या आती है वो कृष्ण पक्ष होता है ठीक है वो कृष्ण पक्ष होता है तो जब अमावस्या आती है उससे पहले वाली ग्यारह को ग्यारस तक हम किसका फेयर मनाते हैं गोगा जी का नवमी से ग्यारस तक और वही नवमी पूजी जाती है वैसे बेसिकली अगर हम देखें इट्स द नाइन्थ डे ऑफ द भाद्रपद कृष्ण पक्ष दैट इज बीइंग वर्शिप्ड एंड डेडिकेटेड टू गोगा जी अच्छा अब इनको प्रोटेक्शन के लिए लोग ना राखी भी बांधते हैं तो ऐसा कहते हैं गोगा जी गोगा नवमी हमेशा राखी के बाद में आती है सावन का तो आखिरी दिन आपका राखी होता है और उसके बाद में आपके आती है गोगा नवमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में गोगा नवमी का व्हाट्स दी रेफरेंस ऑफ गोगा नवमी तेजा दस्य तो गोगा नवमी को ये और कहा जाता है कि कुछ लोग राखी भी टाई करते हैं सम पीपल सेलिब्रेट राखी फेस्टिवल तो वो प्रोटेक्शन के लिए राखी भी उसी दिन बांधते हैं सो इट इज़ द डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट रिलीज लाइक आई वुड से रिचुअल ऑल ओवर दी राजस्थान But the ma major rituals have been discussed in the class and I hope this punch P lesson was very very clear and very very understood to each and every one of you. so in this particular class we have discussed the punch P of Rajasthan in the Lok devta category. under that we have discussed the pabuji Ramdevji Harbuji mehaji and Gogaji. So I hope now in the further classes,

तो भैया ये राजस्थान कहां से कितना पढ़ना है ये क्लासेस से आपको पता चल जाएगा सो गाइस ट्यून कीप लर्निंग कीप शेयरिंग थैंक यू सो मच सी यू वेरी सून बाय